नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन और भारतीय परिवार में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर का वर्गीकरण, अर्थात वर्ण विचार। जो टॉपिक है आपका, हर परीक्षा में आता है वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न। भाषा की जो शुरुआत होती है किसी भी परीक्षा में, अगर आप व्याकरण पोर्शन पढ़ते हैं, व्याकरण का पार्ट अगर पढ़ते हैं, तो व्याकरण में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है आपकी भाषा। और भाषा को हमने तीन भागों में बांटा, हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाषा कितने भागों में बटी है। भाषा के जो अंग है वो कितने हैं बताएंगे जरा? भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, मौखिक भाषा जो हम उच्चारण करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, बोल करके विचारों को व्यक्त करते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा हो गई। लिख करके जो हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा हो गई। और जब हम ना बोल करके ना लिख करके बल्कि इशारों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से जब अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, तो मौखिक भाषा का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन लिखित भाषा जो होती है, ये लिखित भाषा को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसका, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? हमारी लिपि कहलाती है। और व्याकरण के जो अंग है, यानी व्याकरण जो भाषा को लिखने पढ़ने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, यदि हमें भाषा को पढ़ना और लिखना सीखना है तो हमें सबसे पहले व्याकरण सीखनी पड़ेगी। और इसी व्याकरण के हमारे तीन अंग है कौन कौन से, जिनमें आता है वर्ण विचार, फिर आता है शब्द विचार और फिर आता है वाक्य विचार। तो हमारी जो चर्चा हुई अब से पहले, वो चर्चा हमारी वर्ण विचार से संबंधित हुई है। वर्ण विचार में हमने देखा कि स्वरों और व्यंजन या प्लुत स्वर व्यंजन जो हमारे हैं उनका वर्गीकरण हमें देखना है आज। उससे पहले हम इनके बारे में सामान्य चर्चा कर चुके हैं, तो आइए बढ़ते हैं इनके वर्गीकरण की ओर। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानते हैं। ठीक है, व्याकरण का पहला अंग जो वर्ण विचार है, उस वर्ण विचार में हमने जाना स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में। ठीक है, तो अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं हम कि क्या होते हैं स्वर, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या आप देखिए मोटे रूप पे अगर देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए, तो स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। मूल स्वर, इन्हें ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हें ही लघु स्वर कहते हैं और इन्हें ही छोटे स्वर कहा जाता है। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे दीर्घ स्वर, इन्हें बड़े स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें बड़े स्वर एवं दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या हमारी चार होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या हमारे सात होती है, और स्वरों की टोटल संख्या कितनी होती है हमारी? ग्यारह होती है। ठीक है, तो मूल स्वरों और दीर्घ स्वर के अलावा एक अन्य स्वर भी होता है हमारा, जो संस्कृत में काम में लिया जाता है, वो होता है प्लुत। क्या होता है? प्लुत। अब इन्हें हम कैसे समझेंगे? देखिए, जो हमारे मूल स्वर होते हैं, इन मूल स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे हमारे जो चार हैं, कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटा उ और री। अ, छोटा ई, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, ये हमारे जो स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं या छोटे स्वर कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे बड़े स्वर है दीर्घ, इनमें आता है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, और जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर ये संस्कृत में काम में लिया जाता है, मूल स्वरों में लगने वाले उच्चारण में जितना समय लगता है, मूल स्वरों के उच्चारण में हम जितना समय लगाते हैं उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है, और मूल स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है, जो कि केवल एक ही है और ये संस्कृत में काम में लिया जाता है। ठीक है, ओम, इसका उच्चारण जो होता है, आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये इस प्रकार से होता है, ये ऐसे होता है ओम। ठीक है, तो
हमारे जो मेन अगर हम देखें पार्टीशन, मेन वर्गीकरण अगर देखते हैं स्वरों का, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर चार होते हैं, अ ई ऊ री, और दीर्घ स्वर ग्यारह, सात होते हैं, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है। और प्लुत स्वर केवल एक होता है, ओम, ठीक है। इसे संस्कृत भाषा में काम में लिया जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने ये वर्गीकरण देखा। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं, अगला वर्गीकरण है हमारा अब हम देखते हैं कि हिंदी में और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमारी हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11 और संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, उनमें होती है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, फिर ए, ऐ, ओ और औ। हमारी हिंदी भाषा के अंदर इन स्वरों में लिपि दोष भी देखा जाता है। लिपि दोष में लिपि संबंधित दोष होता है, यानी लिखने में जिनको परेशानी होती है वो तीन है, एक तो री, ऐ और औ। क्योंकि इसको उच्चारण करते हैं तो कई लोग इसे लिखते हैं, और इसका उच्चारण करते हैं तो कई लोग इसे लिखते हैं, ठीक है। और ये री को तो लिखने में परेशानी होती है, क्योंकि इसका उच्चारण किसके समान है? व्यंजन के, व्यंजन जो र है हमारा उसके समान है। संस्कृत में जो 13 है हमारे, उनमें है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री और बड़ा री, छोटा री और बड़ा री, फिर आता है री, फिर आता है ए, ऐ, ओ और औ। ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर के हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में एक स्वर, जो दो स्वर है उनका बढ़ोतरी हो गई, उनको वो बढ़ गए, ठीक है। ये था हमारे हिंदी और संस्कृत स्वर। अच्छा, मात्राएं किसकी होती है और किसकी नहीं होती, इनका भी ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। हमारा जो अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इस अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी इन 10 स्वरों की मात्राएं होती है, ठीक है। अब 10 स्वरों की जो मात्राएं होती है, देखिए मैंने आपको जो मूल स्वर बताए थे, उन चार मूल स्वरों की छोटी मात्राएं होती हैं, ठीक है। अ की कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो इसलिए जो तीन बचे हमारे उनकी क्या होती है? छोटी मात्राएं होती है, ठीक है। फिर हमारे जो बाकी के स्वर बचे 7, उन 7 स्वरों की बड़ी मात्राएं होती है। लघु स्वरों की 1 मात्रा और जो दीर्घ स्वर है उनकी 2 मात्राएं होती है। आई बात आपको समझ में? लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, ठीक है। तीसरी बात, व्यंजनों का जो हम उच्चारण करते हैं, बिना स्वरों की मदद के व्यंजनों का उच्चारण असंभव है, उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों को पूर्ण बनाते हैं, ठीक है। अब हमने हिंदी देख लिया, संस्कृत देख लिया, अब हम पाली और प्राकृत में भी देख लेते हैं कि पाली और प्राकृत में भी स्वरों के कितने भेद हैं, ठीक है। हमारी जो पाली भाषा है, कौन सी? पाली। इस पाली भाषा में 10 स्वर होते हैं। इस पाली भाषा में 10 स्वर होते हैं, कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री को इसमें नहीं गिना जाता, पाली भाषा में हम री को नहीं गिनते हैं। फिर हमारा ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे पाली भाषा के स्वर हैं, इनमें री को नहीं गिना जाता है, इनमें री को नहीं गिना जाता है। अब आते हैं हमारे अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा के स्वर। प्राकृत भाषा, इसमें स्वरों की संख्या केवल 8 मानी गई है। स्वरों की संख्या केवल 8 मानी गई है, कौन कौन से हैं? इसके अंदर ना तो री को गिना जाता है, देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री को
नहीं गिना जाता। फिर ए ओ ना इसमें ऐ को गिना है और ना ही इसमें औ को गिना है, ठीक है। तो हमारी प्राकृत भाषा जो है इसे ही अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश अर्थात पाली भाषा प्राकृत भाषा के अंदर हमारे 8 स्वर माने गए हैं। कौन कौन से? अ आ ई उ ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। तो ये क्या थे? हमारे स्वरों का वर्गीकरण था। स्वरों का वर्गीकरण नहीं, हमने ये देखे कि हमारे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, पाली भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है और प्राकृत भाषा में कितनी है। चारों में अलग अलग, हिंदी में 11, संस्कृत में 13, पाली में 10 और प्राकृत में 8, ठीक है। अब हम इनका वर्गीकरण देख रहे हैं कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण आता है स्वर का, उस स्वर का वर्गीकरण सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4 और संधि स्वरों की संख्या कितनी? 7। कैसे? मूल स्वर जो है हमारे कौन कौन से आ गए? छोटी ई, छोटा ओ और रे। आ हमारा अ और अ से मिलकर बना है आ। बड़ी ई, छोटी ई और छोटी ई के मेल से हमारी बड़ी ई बनी। बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ हमारा बड़ा ऊ बना। फिर अ प्लस ई बना ए और अ प्लस ए बना आई। फिर अ प्लस ऊ बना हमारा ओ और अ प्लस ओ बना हमारा औ, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे संधि स्वर हुए, ये संधि स्वर और मूल स्वर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। जो स्वर है हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा? हमारा मूल स्वर और दूसरा कौन सा? हमारा संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या 4 और संधि स्वरों की संख्या 7, ठीक है। अब जो दूसरा आता है हमारा, वो आता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। हम 6 प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे इसके अंदर, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर हमारे जो स्वर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको मेन जो बताया था डिवाइडेशन उसका वही है। पहला है हमारा मूल स्वर और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। इन्हें ह्रस्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व, ठीक है। तो हमारे मूल स्वर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। वही वाला जो वर्गीकरण हमने किया था वही इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, देखिए आपको पता है स्वर का उच्चारण करते थे हमारे मुख से जो वायु आती है, यानी जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनियां बिना किसी रोक टोक के हमारे मुख से बाहर आती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया, अनुनासिक्य और नासिक्य। निरनुनासिक भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से हैं वो आइए देखिए, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक या अनुनासिक्य कर लीजिए इसको, और निरनुनासिक्य, ठीक है। इनकी संख्या भी 11 होती है और इनकी संख्या भी 11 होती है। पर ये होते क्या है ये भी तो आपको पता होनी चाहिए ना कि ये होते क्या है। देखिए ये वाले जो होते हैं हमारे, इनको हम सीधा सीधा उच्चारित करते हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ। लेकिन जो हमारे अनुनासिक के होते हैं, उन अनुनासिक के में अनुस्वार होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी पूरे
अवतल। ठीक है, तो निरनुनासिक और अनुनासिक के, अनुनासिक के वो होते हैं जिनकी उच्चारण हमें मुख, मुख और नाक दोनों से वायु आती है बाहर, तो हमें ये कौन से कहलाते हैं, अनुनासिक के कहलाते हैं। और जिनने जो बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल जाते हैं, केवल मुख के माध्यम से ध्वनि हमारी बाहर आ रही है, वो कौन से हो गए हमारे, निरनुनासिक के। आगे बढ़ते हैं हम मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, मुख के आधार पर। तीसरे नंबर का मुख के आधार पर ये होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये, चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है विवर्त, दूसरा होता है अर्ध विवर्त। क्या होता है, अर्ध विवर्त। तीसरा होता है संवर्त और चौथा होता है अर्ध संवर्त। अर्ध संवर्त। अब यहां पर मुख के आधार पर क्यों, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो आकृति होती है, कई समय पर लगभग खुली होती है, कई बार लगभग बंद होती है, कई बार मीडियम होती है, तो उस मुख के खुलने की आकृति के आधार पर इन्हें क्या कहा गया है, मुख के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। देखो विवर्त जो है, विवर्त के अंदर हमारा मुख जो है वो लगभग लगभग क्या होता है, तो विवर्त में हमारे क्या होता है, विवर्त में हमारा जो मुख होता है, हमारे मुख की जो आकृति होती है वो लगभग खुली हुई सी होती है। जैसे हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो हमारे मुख की आकृति खुली हुई होती है। उच्चारण करके देखिए, आ, हमारा मुख पूरा खुल रहा है, आ, हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की आकृति विवर्त होती है, अर्थात खुली हुई होती है। केवल एक ही स्वर आता है इसके अंदर, वो कौन सा होता है, आ। ठीक है, फिर है अर्ध विवर्त, यानी कि आधा खुला हुआ। जितना हमारा विवर्त खुला हुआ होता है ना मुंह, उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, जैसे अ ए अ ऐ और औ, उच्चारण करके देखिए, अ ऐ औ, जितना हमारा आ में खुल रहा था, आ से आम में खुल रहा था, उससे बहुत कम किस में खुल रहा है, हमारा इसके अंदर अर्ध विवर्त के अंदर खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं संवर्त। संवर्त का मतलब होता है बंद। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख प्राय बंद होता है। ठीक है, जैसे ई बड़ी ई उ री, आपके मुख की आकृति देखिए, जितना विवर्त में खुल रहा था, जितना अर्ध विवर्त में खुल रहा था, उससे भी कम हमारा इसमें खुल रहा है, किसमें, संवर्त में। उच्चारण दोबारा करके देखिए, ई ई उ री। ठीक है, तो ये कौन से हो हमारे, संवर्त स्वर। और अर्ध संवर्त स्वर जो होते हैं, ये अर्ध संवर्त स्वर हमारे लगभग बंद होते हैं, जितना हमारा संवर्त में बंद था ना, उससे थोड़ा सा कम। तो कौन, कितने होते हैं, इनकी संख्या दो होती है। कितनी होती है इनकी संख्या, दो, ए और ओ, ए और ओ, ए ओ। ठीक है, तो एक और तीन चार, चार और पांच नौ, और नौ और दो ग्यारह। किसके आधार पर थे, मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। अब हम देखते हैं जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, जीवा अर्थात जीव के आधार पर। जीवा के आधार पर आप एक डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझिए। नंबर चार क्या है, जीवा के आधार पर। ठीक है, हमारी जो जीवा होती है, हमारी जो जीभ होती है, इस प्रकार की होती है। ठीक है, हमारी जो जीभ है, इस जीभ के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, कर लिए हमने तीन भाग कर लिए। कितने भाग कर लिए, तीन भाग। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे। इसे कहेंगे हम अग्र भाग, इसे कहेंगे मध्य भाग और इसे कहेंगे पश्च भाग। इसे कहेंगे पश्च भाग। अब ध्यान दीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीवा का
अग्र भाग सक्रिय होता है उन्हें कहते हैं अग्रस्वर। क्या कहा हमने? अग्रस्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे कहते हैं मध्य स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीवा का पश्चिम भाग सक्रिय रहता है उन्हें कहते हैं पश्चिम स्वर। उन्हें कहते हैं पश्चिम स्वर। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? देखिए, हमारे जो अग्रस्वर हैं, अग्रस्वर होते हैं हमारे 5, मध्य स्वर होते हैं अ और पश्चिम स्वर होते हैं 5। मध्य स्वर में केवल एक आता है अ। मध्य स्वर में केवल एक ही आता है हमारा, वो है अ। जो अग्रस्वर है उनमें आते हैं हमारे छोटी ई, बड़ी री, ए और ठीक है, ये आते हैं हमारे किसमें आते हैं? ये आते हैं हमारे अग्रस्वर। ठीक है, कितने हो गए? एक तो ये हो गया और 5 ये हो गए। बाकी बच्चे जो हमारे पश्चिम स्वर में कौन कौन से? देखिए, आ और उ, बड़ा उ, ओ और उ। कितने हो गए? 11। 5 ये, 1 ये और 5 ये, कितने हो गए हमारे? 11। अब इन्हें याद देख लेते एक बार। जीवा की अग्रभागी अग्र जो भाग होता है हमारा, जहाँ अग्र भाग सक्रिय होता है जिन स्वरों के उच्चारण में, वो तो हमारे हो गए अग्र स्वर। कितनी संख्या हो गई? 5। कौन कौन से हो गए? छोटी की, बड़ी की, री, ए और आई। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा मध्य स्वर, जीवा का जब मध्य भाग सक्रिय होता है स्वर के उच्चारण में तो मध्य स्वर कहलाते हैं, और वो हमारा केवल एक है। वो कितना है? 1 अ। ठीक है, फिर अंतिम जो आता है हमारा वो है पश्चिम स्वर। क्यों? इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा का पश्चिम भाग सक्रिय रहता है, इसलिए इन्हें पश्चिम स्वर कहते हैं। तो पश्चिम स्वरों की संख्या भी कितनी है? 5। बाकी के बच्चे आप पश्चिम स्वर में लिख दीजिए कौन कौन से हैं। आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ये कितना नंबर था हमारा? 5वां नंबर। कितना नंबर था हमारा? ये 5वें नंबर का वर्गीकरण था। ठीक है, 5 हम कर चुके हैं, एक और बाकी है, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सिंपल, सबसे सिंपल ओष्ठ की आकृति के आधार पर नंबर 6, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ की आकृति पर हमारे जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार। और दूसरा होता है अवृत्ताकार। मतलब आप समझ गए होंगे कि वृत्ताकार क्या होता है, अवृत्ताकार होता है। जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं हमारे होठों की आकृति वृत्त के समान हो जाती है, सर्किल में हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जब हमारे होठों की आकृति नॉर्मल रहती है, वृत्त के समान नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से इनकी संख्या क्या क्या है और कौन कौन से है देखिए। सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं, छोटी ई, सॉरी वृत्ताकार है, वृत्ताकार में ऊ उच्चारण कर देखिए, ऊ हमारे होठों की आकृति कैसी हो रही है? वृत्ताकार हो रही है, इसीलिए इन स्वरों को क्या कहा गया? वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार में छोटी ई, अ से लेते हैं, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे जो होठ हैं उनकी आकृति वृत्ताकार नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण पूरा किया। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक।
टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के अर्थात स्वर के बारे में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को आपको ढंग से देखना है, समझना है, अंत तक इसे पूरा देखना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान जरूर किया जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।